तो ये जो चीज होती है मैयार जिंदगी, लाइफ स्टाइल हमारा जो बहुत ऊंचा हो चुका है, इन वाकयात ने इस पर भी हमें असर नो गौर करने की दावत दी है कि आज जो हालात है, अच्छे अच्छे घराने वाले जो कभी अपने कपड़े को धोने के लिए सोचते भी नहीं थे कि मैं अपना कपड़ा धोऊंगा या धोऊंगी, घर में पोता लगाऊंगी, आज घर के अंदर जो नौकरानी है वो भी मैसर नहीं, कपड़े भी अपने खुद धोने पड़ते हैं, घर में पोता भी खुद लगाना पड़ता है, खाना पीना भी खुद पकाना पड़ता है, आज ये हालत हो गई। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये जो चीज फितरी है उसी में कामयाबी है। जो फितरी जिंदगी गुजारता है, अपनी जरूरत खुद से पूरा करने की कोशिश करता है, वो आदमी कभी मजबूर नहीं होता है, वो आदमी हालात से कभी घबराता नहीं है। तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है। तो हालात जो नफ्स हमारा है हमें अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देता है, आज के जो हालात हैं वो हमें अपने नफ्स के खिलाफ करने की दावत दे रहे हैं, और जो आदमी अपने नफ्स के खिलाफ करे वो कामयाब है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिहि वनहा अन्नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स अपने परवरदिगार से डरता है और अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात के पूरा करने से रोकता है तो जन्नत उसका ठिकाना है। तो जन्नत के हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है कि अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को हम कंट्रोल पर रखें और उसको उसकी चाहत के मुताबिक वसाइल मुहैया न करें, नफ्स की चाहत के मुताबिक काम न करें, तब नफ्स हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो आज के हालात हमें यही दावत देते हैं कि अपने नफ्स को कंट्रोल पर रखें। अब ये तीन चीजें हमने बयान की, एक तो अपनी मर्जी पर चलना, उसको शिकस्त हो गई, ये भी नफ्स का, इसके अंदर भी नफ्स का दखल है। दूसरे कनाअत, कम चीज पर जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाना, ये भी नफसानी हवस है जो इंसान को हद से ज्यादा कमाने पर मजबूर करती है। तीसरी जो चीज है वो अपने मयार जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को कम करना, ये भी इंसानी नफसानियत है। अगर इन चीजों पर काबू पाएंगे तो इंशाल्लाह इन वाकयात से हमारी बहुत बड़ी तरबियत हो सकती है और आइंदा जिंदगी के लिए हमें बहुत सी तदबीरें अख्तियार करने का मौका मिल सकता है। अल्लाह ताला हमें सबक लेने की तौफीक दे। आमीन। बाखुदा वाना। अल्हम्दुलिल्लाह।